ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इसमें हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला एक्सपेरिमेंट। आपको नहीं पता है कि क्या होता है तो मैं थोड़ा इस तरफ हो जाता हूँ और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम आप देख पा रहे हैं दोस्तों। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ तो आपने अच्छे से देख लिया दोस्तों कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम किस तरह से है और हम इसे आज के बनाकर प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है ये। और ऐसा सेल जिसमें हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, तो चलिए हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकल, तब कुछ ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो आज हमें इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमें दो समान प्रकार के मेटल ले लेंगे, जैसे हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिल्सन है, तो पिल्सन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ग्रेफाइट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्रेफाइट है और हम दो ले लेंगे। यहाँ पर दो प्रकार के मैंने अलग अलग इसलिए ले लिया है ताकि हमें पता चले कि काला और नीला यानी कि प्लस और माइनस कौन सा है, एनोड के थोड़ का पता चल जाए हमें आसानी से। तो इसको हम ले लेंगे, उसके लिए हमें एक धागा लपेटा हुआ रील लेके यहाँ पर छेद कर दिया है, तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसमें लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें, और इसमें ये भी लगा देंगे, तो ये दोनों बराबर एकदम हो गए दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों एक ही साइज में हैं यहाँ पर। और इसमें हम कॉपर वायर ले लेंगे, अच्छे से लपेट देंगे इसमें। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कॉपर वायर या कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर अब ये दो वायर बन चुके हैं और हम लेंगे एक गिलास, यानी कि कांच का गिलास अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। कांच का गिलास आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे यूज़ कर सकते हैं फाइबर गिलास। तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही है, तो मैं इसमें लगा दूँगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर इसमें लगा देंगे, सो गाइस मैंने इसमें वायर को कुछ इस प्रकार से लपेट दिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। वैसे गाइस इसमें प्लस माइनस की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने लगा दिया थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, ताकि हमारा वायर अच्छे से दोनों एक साथ अटैच ना हो। और यहाँ पर हम इसको रख देंगे पावर देने के लिए। मेरे पास यहाँ पर दो बैटरी मैंने को जोड़ दिया है इसमें, और इसमें जो है दो बैटरी जोड़ने के बाद इसका जो पावर है वो तकरीबन 9 वोल्ट आ रहा है दोनों बैटरी जोड़ कर। मैं आपको एक बार मल्टीमीटर चेक करा देता हूँ ताकि आपको कोई शक ना रहे। तो ये है मेरा मल्टीमीटर और इससे मैं आपको चेक करा कर दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8.95 वोल्ट यानी कि 99.9 वोल्ट आपको दिखा रहा है दोस्तों, एकदम करेक्टली दिख रहा है आपको यहाँ पर 9 वोल्ट। तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ साइट, और अब जो है यहाँ पर मैं इसको अटैच कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बटन है, तो मैं इसको यूज करूंगा इसको। मैं सारा सर्किट रेडी है बिल्कुल बराबर, सब कुछ सही है। बस इसमें हम क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड का विलयन इसमें हम डाल देंगे, उसके बाद फिर इसको डालते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। इसको मैं पावर बंद कर देता हूँ इसका। इसमें हम जा रहे हैं डालने सॉल्ट, इसमें हम इतना डाल देंगे, ये करीबन होगा, इसको तो ग्राम में है लेकिन ml में इसमें लिखा हुआ है, तो ml में हम नहीं बिल्कुल इसमें डाल देते हैं। इतना डाल दिया मैंने इसमें, और अब डालते हैं इसमें पानी। दोस्तों और इसको हम करते हैं थोड़ा मिला लेते हैं ताकि हमारा जो सॉल्ट है वो अच्छे से मिक्सिंग हो जाए सोडियम क्लोराइड का विलयन। आपने
जाते हैं इसके ब्लेन में, यानी कि सोडियम क्लोराइड के ब्लेन में डालने अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर हम इसको डाल देंगे कुछ इस प्रकार से। तो गाइस अभी आपको इसमें कोई भी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया नहीं दिख रही है, लेकिन अब हम जैसे ही इसका पावर चालू करेंगे फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो गाइस मैंने इसमें चालू कर दिया है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ बुलबुले नज़र आ रहे हैं, जैसे इसमें से अभिक्रिया होना स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ा आपको ठीक से दिखाता हूँ। सो गाइस ये बनके तैयार हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रो एनर्जी चेंज इनटू केमिकल रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की क्रिया हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऑलराइट गाइस, तो अब जो है मैंने इसमें थोड़ा सा सुविधा और कर दिया है ये चेक करने के लिए, क्या इसमें जो है ये हमारा सोडियम क्लोराइड का विलयन जो है इसमें ये कंडक्टर की तरह काम करेगा या नहीं, एक सर्किट बना पाएगा या नहीं, इसी को हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एलईडी लाइट लगा दिया है और अब इसको हम चालू करते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो चलिए हम इसको चालू कर देते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एलईडी लाइट यहाँ पर है ये जल रहा है, अच्छे से जल रहा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभिक्रिया अच्छे से हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है बस। ऑलराइट गाइस, तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पर जो हो रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारा बना था इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रिया हो रही थी, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, और बस यहीं पर आज था वीडियो। फिर मिलते हैं हम एक नया वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।